नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। देखिए, हम आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, तो इसलिए अब आपके साथ एक नया कार्यक्रम लेकर आए कि नाक की एलर्जी क्या होती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में, खास करके क्योंकि सर्दी आने वाली है, जुकाम खांसी लगा रहता है। तो आज सीधे तौर पर हम डॉक्टर विपाशा हैं, अकॉर्ड हॉस्पिटल जो कि ग्रेटर फरीदाबाद स्थित है, यहाँ हम इनसे जाने कि नाक की एलर्जी आखिरकार है क्या, सिर्फ सर्दी जुकाम नाक की एलर्जी है कुछ और? जी डॉक्टर, नाक की एलर्जी जो है वो सर्दी ज़ुकाम से ज़्यादा भी हो सकती है। शुरू में तो ये सर्दी ज़ुकाम, नाक से पानी आना, छींके होना, इन्हीं सब से शुरू होती है। बट अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें तो इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नाक की एलर्जी कई बार चेस्ट की एलर्जी से भी रिलेटेड रहती है। जिनको नाक के सिम्टम्स होते हैं उनको चेस्ट में भी अस्थमा वगैरह एसोसिएटेड होता है। तो एलर्जी कितने प्रकार की होती है मैडम? देखिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, उसका मेरा सवाल ठीक ना हो, आप उसको दुरुस्त करें जी। नाक की एलर्जी कितने प्रकार की होती है? जैसे कि आपने कहा चेस्ट से संबंधित है जी, या कहीं और भी संबंधित हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, नाक की एलर्जी जब होती है तो इसके सिम्टम्स दूसरी जगह भी होते हैं, जैसे आँखों में खुजली होना, कानों में खुजली होना, ये सब भी नाक की एलर्जी से ही रिलेटेड होते हैं। जब नाक की एलर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो चेस्ट में अस्थमा के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। कई बार पेशेंट इमरजेंसी में भी इसकी वजह से हो जा सकता है। मैडम, एलर्जी का कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप ये बताएं दर्शकों को, एलर्जी अगर है तो कैसे पता चले? एलर्जी में सबसे पहले शुरुआत तो नाक से होगी, जैसे नाक से छींके आएंगी, नाक से पानी आएगा, खुजली होगी, तालू में खुजली होगी, आँखों में खुजली होगी, कान में खुजली होगी। तो जब तक ये थोड़ा है तब तक तो ठीक है, आपने घर पे भी दवाई लेके लोग अपना इलाज करते रहते हैं। बट जब ये सिम्टम्स अनकंट्रोल हो जाए कितने आपसे दिन बाद पता चला? मतलब कि जैसे कि मान लीजिए, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि घर पे हम लोग दवाइयाँ लेकर के नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, डॉक्टर की सलाह कब लेनी पड़ सकती है वो आप बताएं कि कितने दिनों बाद? मान लीजिए मुझे 6 दिन हो गए सर्दी खांसी हुए, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास आना चाहिए 10 दिन बाद या 15 दिन? क्यों आमतौर पर ये देखा गया और कहा गया है कि सर्दी खांसी की दवाई नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अननेसेसरली मेडिसिंस कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिंस अवेलेबल होती है आपने ठीक है एक आध बार ले लिया, बट अगर आप सेटल नहीं हो रहे तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि कई बार ये एलर्जी की वजह से सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, और कई बार नोज़ में जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो ये आँख में भी जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। हमारी आँख और नाक के बीच में पतली सी हड्डी होती है, कई बार वो हड्डी भी गल जाती है। लोगों को विजन, कई बार छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमने इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की वजह से। घातक की, जैसे आपने बताया कि इतनी घातक हो सकती है, डॉक्टर विपाशा की हमें सेवाएँ ना लेनी पड़े या जनता को ना लेनी पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको पता है आपको एलर्जी है किसी चीज़ से तो डेफिनेटली उसका प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ एनीवेज बेटर देन क्योर। तो आप उस चीज़ से दूर रहें, जैसे धूल मिट्टी से अगर आपको एलर्जी है तो आप मास्क लगा के रखें। जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर आपको पता है कि इस दवाई को खाने से मुझे एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर को हमेशा बताएं कि ये दवाई मैंने नहीं लेनी है, मुझे इससे एलर्जी है। तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो डेफिनेटली वो एलर्जी के केस में आपको हेल्प करेगी। आप घर पे स्टीम ले सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, और आप अच्छी हेल्दी डाइट्स रखिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर विपाशा को, उन्होंने बताया कि एलर्जी कितनी प्रकार की होती है और दूसरा एलर्जी कितनी घातक हो सकती है। तो एलर्जी को आप हल्के में ना लें, अगर आपको लगता है कि आप नियमित दवा जो आपकी सर्दी खांसी जो नॉर्मल तरीके से घर पे कई बार दवाइयाँ ले लेते हैं, अगर उससे भी नहीं हो पा रहे हैं आप ठीक, तो सीधे तौर पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप मिलें जो विश्वास के योग्य डॉक्टर हो। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।